गघा थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के चार शातिर अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गघा थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान हरीश पुत्र इंद्रपाल निवासी हाशिमपुरा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, हाल पता ग्राम भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर, दूसरा माफिया राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामाशीष तिवारी निवासी ग्राम टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा सुभाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर, चौथा जयंती देवी पत्नी सुभाष प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग का गैंग लीडर हरीश अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन हत्या व लूट जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र गघा जनपद गोरखपुर के गांव जगदीशपुर भलुआन में एक चर्चित हत्याकांड था, काजल हत्याकांड, जिसमें काजल नाम की एक नाबालिग बच्ची की, जो उसके पिता के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनका वीडियो बना रही थी, इस प्रतिशोध में हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड के अभियुक्त साथीर अपराधी हैं। एक अभियुक्त मुठभेड़ में मारा जा चुका है, शेष चार अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल गए। आज गघा पुलिस ने इन शेष अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें से दो अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है, इनके खिलाफ लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। साक्ष्य के क्रम में इनका माननीय न्यायालय से रिमांड बनवाया जाएगा और इन अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।